नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं अनूप दास, ग्राम कृष्णनगर, जिला बलरामपुर, राज्य छत्तीसगढ़ से। दोस्तों आज हम अपने घर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर आए हुए हैं, जहां बहुत ही पुराने बकरी पालक हैं और काफ़ी अनुभवी हैं, और इस बरसात के मौसम में कैसे बकरियों का देख रेख करते हैं और कैसे व्यवस्था बनाए हैं और किस तरीके से बकरियों का उपचार करते हैं, इलाज करते हैं, सभी चीज़ जानकारी लेंगे। और हमारे साथ में जो है हमको किसान से मिलवाने के लिए ला है, जिनका वीडियो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। उनका नाम है सागर जी, आप देख पा रहे हैं इधर खड़े हैं लाल टी शर्ट में, और उनसे भी बात करेंगे और हमारे जो किसान हैं उससे भी बात करेंगे। तो हम फिलहाल है घेरा जो बना हुआ है इनका घर का, जो बाउंड्री है बाउंड्री के बाहर में, अब हम बाउंड्री के अंदर में प्रवेश करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि बकरी जो है सवेरे सवेरे बैठे हुए हैं सब नीचे, और अभी साफ़ सफाई उतना नहीं हो पाया है, रोज़ दिन साफ़ सफाई हो जाता है, तो अभी इनसे पूछताछ करेंगे। इससे पहले इनका परिचय लेते हैं। दोस्तों परिचय लेने से पहले आप लोग को बता दूं, यदि हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए अब देर ना करते हुए बकरी पालक से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे परिचय लेते हैं उनका। तो भैया आपका शुभ नाम क्या है, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मुकेश सुनवानी। मुकेश सुनवानी, तो मुकेश सुनवानी आपका नाम है, किस गांव से हैं आप? संतोषी नगर। संतोषी नगर, जिला? बलरामपुर। और जो राज्य है हमारा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। ये बताइए कि आप बकरी पालन कितना साल से कर रहे हैं? दो साल से आप बकरी पालन कर रहे हैं, और इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मिस्त्री का काम कर रहा, मिस्त्री, राजमिस्त्री, जैसे घर वगैरह बनता है उसी का। तो आपको बकरी पालन में ऐसा खास क्या रुचि आया कि आप बकरी पालन शुरू किए हैं? अभी वो वाला जैसे राजमिस्त्री काम करते हैं कि नहीं करते हैं? करता हूँ, उसको भी करते हैं, उसको भी करता हूं। और बकरी पालन भी करते हैं। तो बकरी पालन जैसे इसमें लोग बहुत सारा जानवर का, जैसे गाय हो गया और भी कोई की चीज़, मुर्गी हो गया, सब चीज़ पालन करते हैं, तो बकरी में ऐसा क्या खास दिखा आपको कि आप बकरी पालन में जुड़े हैं और आप उससे फ़ायदा ले रहे हैं? चाहे जो बकरी पालन में मेरा मतलब मन था कि पालूंगा, एक दो आदमी को देखा मैं पालते हुए, हाँ, तो उनको मेरे को भी मन लगा कि मैं भी पालता तो अच्छा होता। अच्छा, तो आपने शुरुआत कितना बकरी से किया था? दो ठे में। दो बकरी, तो दो बकरी शुरू की है, दो बकरी से दो साल पहले, तो उस समय दो बकरी का रेट क्या रहा होगा? उस समय एक ठे को मैं लगभग 4,500 में लिया था और एक ठे को 6,000 में लिया। एक ठे को 4,500, एक ठे 6,500। तो बकरी आपके पास अभी है कि उसकी? हाँ, कौन सा बकरी है उसको थोड़ा दिखाइएगा। ये बकरी है, ये देखिए दोस्तों, इनका जो सबसे पुराना बकरी है, दो साल पहले लिए थे, ये है। इसको कितना में लिया था? इसको 4,500 में लिया था। 4,500 में। और एक कौन सा है पुराना? ये वाला है, ये देखिए, और एक जो है ये सफ़ेद दिख रहा, बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका, उठाइएगा इसको। इसको कितना में लिए थे? इसको 6,500 में लिया। 6,500 में, ये देखिए कितना, जैसे देसी बकरी में जो बड़े फ्रेम का होता है, लगभग बड़े फ्रेम में आएगा ये। और ये कितना बार बच्चा दिया अभी आपके घर में आके? ये 4-5 बार बच्चा दे दिया है। 4-5 बार बच्चा दिया है, और इसके बाद फिर जैसे मतलब मेरे घर में आया है तो दो ही बार दिया है। और अच्छा, जैसे एक दो बार पहले दिया था उसको खरीदे थे ना? हाँ। और ये जो अभी जो आपके पास दिख रहा है, अभी दो ही बकरी से बढ़ा है कि और भी खरीदे? दो ही बकरी से। अच्छा, दो ही बकरी से बढ़ा है। तो अभी तक आपने बकरी एक बार भी बेचा है कि नहीं बेचा अभी तक? अभी तक तो नहीं बेचा हूँ, अभी तक एक भी नहीं बेचा है। जैसे खस्सी वगैरह होता है उसमें? एक खस्सी बेचा हूँ बस। और खस्सी को क्या रेट मिला आपका खस्सी बेचने पर? वही 12-15 मिला था। 12-15। तो देखिए दोस्तों, बकरी पालन से काफ़ी खुश लग रहे हैं। और ये बताइए कि आप जैसे घेरा वगैरह बनाए, सब अपने से बनवाए हैं कि जैसे? हाँ, अपने से बनाया। अपने से? हाँ। तो आपका जो बकरी का रखने का घर हो गया, फिर घेरा वगैरह, इसको बनाने में कुल कितना खर्चा हो गया होगा? मतलब अपने ही से बनाया हूँ, लकड़ी ला के। तो अच्छा, केवल जो है अपना मेहनत है? अपना ही मेहनत, मेहनत भर लगा है। हाँ। तो आपके पास वर्तमान में कुल कितना बकरी है? अभी 28 बकरी है। 28 बकरी है, छोटा बड़ा मिला, छोटा बड़ा मिला के। अच्छा, लड़का बच्चा सब लेके? ये देखिए बच्चा दिया है, बच्चा दिया है, बच्चे भी वो घर के अंदर में रखे हैं। हाँ। अच्छा, चलिए उसको निकालेंगे, आप जैसे हमको जानकारी देते रहेगा। ये जो बकरी है अभी बैठे हुए हैं सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे बाहर निकालने से क्या फ़ायदा होता है खास बकरियों को? बकरी को खास यही होता है कि यहाँ धूप में रहता है, सूखा जगह में रहता है, वहाँ टटरा में पैर उर भी फंसने का डर रहता है। अच्छा, अंदर में देखिए इन्होंने जो है माचा बनाया हुआ है व्यवस्था, उनको भी दिखाएंगे। ये बताइए, जो घर कचरा नहीं होता है? हाँ, घर साफ हो जाता है, घर साफ हो जाता है ना। ये जो बकरी आप बोल रहे हैं कि इसको आपने 4,500 में खरीदा है, तो इसका जैसे दो साल बीत गया और अभी आपके पास इतना 28 बकरी है, इसको अभी यदि बेचेंगे, अभी वर्तमान में क्या रेट मिल सकता है इसको, कम से कम?
5000 मिलेगा। 5000 फिर भी मिलेगा, 500 रुपया प्लस में रहेगा। प्लस अभी जितना है आपका, दो बकरी के अलावा जो भी दिख रहा है बकरी, 28 बकरी सब जो है फायदे में है। तो फायदे में अभी 2 साल के अंदर में आप बोले कि केवल एक ही बकरा बेचे हैं। हाँ, एक ही बकरा। और अभी आपके पास बेचने लायक है कि नहीं है उस टाइप का? बेचने लायक अभी उस टाइप से नहीं है, छोटा छोटा खसी है। अच्छा, खसी कितना पीस है अभी आपके पास? अभी मेरे पास 8 पीस है। 8 पीस इस साइज का है सभी? हाँ, सब। खस्सी को उठाइए थोड़ा सा, देखते हैं। देखिए खस्सी भी इनके पास काफ़ी, अभी जैसे बरसात के मौसम है फिर भी जो है सेहत इनका ठीक ठाक दिख रहा है, और कहीं गांव घर में दिखता है तो उनका शरीर एकदम क्या है कि डाउन हो जाता है। ये देखिए खस्सी है, पूरा 8-8 जो है खस्सी है आपके पास। तो खस्सी को ये जो अभी छोटा छोटा दिख रहा है, ये साइज का है अभी के हिसाब से, इस समय के हिसाब से बेचा जाए अभी जो इसका उम्र है, तो क्या रेट मिल सकता है एक का? 6-7 मिलेगा। 6-7, तो इसको आप कितना होगा उसके बाद बेचेंगे, कितना रेट अभी मिलेगा? मैं रखूँगा 2-4 महीना। 2-4 महीना, हाँ। यानी कि आप क्या सोच के रखे हैं कि 7 या 8 खस्सी है तो इसको इकट्ठा कितना पैसा मिलेगा? बेचूंगा। कितना पैसा मिलेगा तो आप दे सकते हैं? अब मैं इसको बढ़ेगा तो रेट लगाऊंगा, अभी किसी रेट लगा, अभी तो मान के चलिए आप बोले 6-7 हज़ार ना। हाँ। तो ये आपका मान के चलिए 2 साल का कमाई माने कि 1 साल का कमाई है, कितना? 21 साल का। ये कितना महीना का बच्चा है? 6 महीना का है। अच्छा, देखिए दोस्तों 6 महीना का है और लगभग 6-7 हज़ार इनका रेट मिलेगा, तो कुल मिला के पर मंथ 1000 रुपया एक बच्चा से, थोड़ा कुल मिला के 6 महीना में 6000। तो इसके अलावा जैसे तो खस्सी हो गया, इसके अलावा जो पट वगैरह होते हैं वो भी है बेचने लायक कि नहीं है? नहीं है। तो आप बकरी पालन कर रहे हैं, आप बकरी को आगे कितना बढ़ाना चाहते हैं? मैं 100 बकरी तक बढ़ाना चाहता हूँ। 100 बकरी रखने का आपका इच्छा है? इच्छा है। और आप जो भी रखने का व्यवस्था बनाए, वो कितना बकरी रखने का व्यवस्था है आपके पास? अभी 30-40 बकरी रखने का व्यवस्था है। अच्छा, 30-40 बकरी रखने का व्यवस्था है। हाँ। और ये बनाऊंगा उसका व्यवस्था। ये जो बकरी दिख रहा है ये क्या है, बकरी है ना? हाँ। इसका अभी क्या रेट मिल जाएगा बेचने पर? जैसे बेचना रेट मिल जाएगा 6000-5000। ये बताइए कि आपका बकरी के बारे में लगभग जान लिए, अभी ये बताइए कि बकरी जो आपका बच्चा देती है उस समय बच्चे को दूध पर्याप्त, वो बच्चे को पाल लेती है बकरी? हाँ। दूध का कोई कमी नहीं होता है ना? कोई कमी नहीं होता है, दूध का कमी होता है। और ये बताइए जैसे डॉक्टरी इलाज वगैरह आप अपने से करते हैं कि डॉक्टर को बुलाते हैं? अभी तक तो मैं इलाज नहीं किया हूँ, अपने से डॉक्टर को ही बुलाता हूँ। डॉक्टर को ही बुलाते हैं। ये बताइए जो वैक्सीन वगैरह आज तक लगा है बकरियों को? नहीं लगा है। वैक्सीन नहीं लगा है? नहीं लगा। जैसे 2-3 वैक्सीन होता है, PPR है। हाँ। एक FMD होता है और एक ठो और क्या बोलते हैं, इंट्रोटॉक्सिमिया की क्या नाम है, मेरे को भी अच्छा से याद नहीं है। हाँ। तो 3 वैक्सीन है, इसको करना एकदम ज़रूरी है, तब बकरी जो है आपका यानी कि तंदुरुस्त रहेगा, बरसात हो हर सीजन के लिए बकरी आपका सेहतमंद रहेंगे। तो बकरी का जो घर है उसको थोड़ा दिखाएगा अंदर में कैसा उसका व्यवस्था बनाया आपने। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा बन जा रहा है, लेकिन जानकारी आपको आज बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। आप देखिए, यदि कोई 2-4 बकरी शुरू करना चाहते हो तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए इनका जो व्यवस्था है, हाइट बहुत ही कम है, 3-4 फीट हाइट होगा ऊपर का देख पा रहे हैं आप, और नीचे जो है व्यवस्था बहुत ही ज़बरदस्त व्यवस्था इन्होंने बनाया हुआ है। ये जो व्यवस्था बनाया हूँ, इसके बाद पहले फर्श बनाया इन्होंने। ये देखिए इनका जो खासियत है, ये जो फर्श है पक्के का है, लोग बोलते हैं कि पक्के का फर्श नहीं बनाना चाहिए, तो इनका जो फर्श बनाने का तरीका ये है कि ये हम बीच में खड़े हैं, ये पूरब तरफ इधर बहुत ही ढलान है, लगभग 1.5 फीट का ढलान है, और इधर जो पश्चिम साइड है इधर भी यहाँ बीच से उधर ढलान है। जो भी बकरियाँ गंदगी करती हैं, इस जो है माचा बना हुआ इसके नीचे गिर जाती है, जो पेशाब है उनका बह के चला जाता है बाहर, है ना जी? तो इसी सुविधा से आपने बनाया है। ये जो दिमाग आपने लगाया, किसी का देख के लगाया कि अपने दिमाग से इसको मतलब कर रहे हैं? जैसे मैं बनाया हूँ, मिस्त्री काम करता था तो थोड़ा बहुत नॉलेज था, हाँ, और जानकारी था, तो मैं सोचा कि बना लेता हूँ तो अच्छा रहेगा। अच्छा, बकरी के रहने के लिए? बकरी के रखने के लिए। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा लगा आपका दिमाग, ऐसा मैं भी बनाना चाहूँगा अपने फार्म के अंदर में। आइए, ये देखिए इनका जो है छोटा छोटा बच्चा आजकल, कब का बच्चा है ये? परसों का बच्चा है ये, देखिए परसों का बच्चा है। तो इसका वजन कितना होगा लगभग? अभी वही 2.5 किलो। 2.5 किलो आसपास हो जाएगा, तो 2 दिन का बच्चा, 2.5 किलो वजन है इसका। तो जैसे 6 महीना में आप जैसे वजन की बात बोले तो 6 महीना में कितना वजन हो सकता है इसका, तो अनुमान एवरेज? वही तो बकरा है भैया, अनुमान 6 महीने का। तो हाँ, तो इसका जैसे 6000 आपने रेट रखा है, तो 6000 कोई ले जाएगा? जैसे आप के हिसाब से रेट कम बेसी तो नहीं हो सकता है कि जो लेगा उसको घाटा तो नहीं होगा 6000 में? नहीं होगा। नहीं होगा ना, यानी कि 6000 का माल है ये, तो इससे आपको
कोई भी खरीदेंगे तो उनको घाटा नहीं होगा और बहुत ही, जैसे ये आपका जो है नस्ल कौन सा है बकरी का? ये मेरा नस्ल देसी है कि देसी में क्रॉस है? जैसे ये राजस्थानी में क्रॉस है बकरा था। अच्छा, ये जो राजस्थानी क्रॉस है, जो बकरा था वो किस नस्ल का था? राजस्थानी था। नहीं, राजस्थानी देखिए वो तो जगह का नाम हो जाता है। जैसे इसका जो सिरोही ना, हाँ, तो सिरोही का पूरा क्रॉस दिख रहा है देखिए, और बहुत ही अच्छा कलर। ये वाला क्या है आपका? ब्रीडर कौन सा है? ब्रीडर नहीं है। ब्रीडर आपके पास नहीं है? ब्रीडर नहीं है, केवल बकरी रखे हैं। तो इसमें से आपका मियारी बकरी कितना है? जैसे मदर गोट मियारी बकरी है दो तीन दस होगा। दस ठो होगा मियारी बकरी। मैं भी नहीं गिन के रखता हूँ, कहीं कि नहीं जाता हूँ डेली बकरी तरफ। अच्छा, ये देखिए इनका जो लोग बैठने के लिए बनाते हैं अपने घर के दीवार के साथ में, इसको क्या बोलते हैं? ओटा। ओटा बोलते हैं, कोई भिटका बोलते हैं, अलग अलग इसका नाम है। कितना सुंदर तरीके से बैठे हुए, जैसे सिंहासन में बैठे हुए हैं। तो इसी ऐसे ही कारण है कि इसी चलते जो है इनका खासियत कि बकरी जो है कम बीमार पड़ते हैं। तो ये बताइए, बरसात में आपको क्या दिक्कत हो रहा है? बकरी पालन में दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? नहीं, पहाड़ ले जाता हूँ जंगल। अच्छा, कितना बजे ले जाते हैं चराने के लिए? अभी 9:30 बजे खोल दूंगा। और फिर वापस कितना बजे आएंगे? वापस 5 बजे। और दोपहर का जो है नाश्ता पानी? नाश्ता पानी लेके जाते हैं। अच्छा, नाश्ता पानी लेके जाते हैं। तो ये जो बकरी है, बरसात का महीना है, घना जंगल है, पहाड़ है, तो उस समय जैसे बकरी को चराने में आपको दिक्कत नहीं होता? नहीं, दिक्कत होता है पहाड़ में। तो आप अकेले जाते हैं कि आपके साथ में और कोई जाते हैं? मेरे साथ में है सागर मेरा। अच्छा, इनके साथ में देखिए, अब सागर जी का नाम बोलिए, सागर जी से भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सागर जी, आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। ये बताइए कि आप दोनों बकरी एक साथ चराते हैं, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जैसे आपसे ही कुछ जानकारी भैया लेते हैं, और आप ये भैया से भी आपको जानकारी लेते हैं, मेरे को लगता है ऐसा कुछ है। हाँ, आप दोनों तालमेल बना के बकरी को पाल रहे हैं। हाँ। तो दोनों एक साथ बकरी चराने जाते हैं, फिर शाम को वापस आते हैं। तो बाकी जो है घर का, घर गृहस्थी का, जैसे काम काज वगैरह आप लोग घर के कोई और सदस्य करते हैं कि आप अकेले ही करते सब? नहीं, 10 बजे तक हम लोग कुछ काज कर जाते हैं। हाँ। करके जाते हैं, उसके बाद जो है फिर वापस आते हैं घर के। तो आप लोग खेती बाड़ी करते हैं कि नहीं करते हैं? दोनों थोड़ा पास आ जाएगा। खेती बाड़ी हम लोग करते हैं, जैसे मोटा फसल हो गया धान मक्का का। हाँ, धान मक्का का करते हैं, बाद बाकी फसल और जो मतलब बकरी को मतलब देना पड़ता है दाना वाना गेहूँ से बस यही सब। अच्छा, तो अभी आप लोग क्या क्या फसल किए हैं खेती वगैरह? अभी बस तो बरसात के दिन मक्का किया हूँ बस। केवल आप मक्का किया? और आप क्या क्या? मैं भी मक्का किया हूँ, धान नहीं लगाया हूँ। धान नहीं लगाया है, तो यानी कि आपका खेती कम है, इस कारण से आप लोग बकरी को अच्छा से देख पा रहे हैं। हाँ। देख रेख कर पा रहे हैं और मेंटेन इसको कर पा रहे हैं। हाँ। तो ये बताइए, जैसे अभी बरसात के मौसम में ज़्यादा पेड़ झड़ी होने का दिक्कत रहता है, तो इससे बचाने के लिए आप लोग क्या सावधानी बरत रहे हैं? वैसा तो हम लोगों का बकरी का भी फिलहाल तो नहीं होता है, काहे कि हम लोगों का बकरी अभी जंगल जाती है, रोज पहाड़ जंगल जाती है, पत्ती होती चढ़ती है। तो आप लोग जैसे अनुभवी बकरी पालक हैं, तो ये बताइए कि किस कारण से ऐसा होता है जो पेड़ झड़ी वगैरह होता है? पेड़ झड़ी जो है बरसात के दिन में वो पत्ते में छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जो बकरी देखने नहीं पाते, अचानक अगर खा देती है तो उससे दिक्कत हो सकता है, कभी कभी हो जाता है, उससे हो जाता है। एक आध दो ठीक होता है। जैसे ऐसे घरेलू उपचार के लिए कि आप लोग क्या करते हैं, जैसे कोई बकरी मान के चले अचानक से उसका पेट झरी हो गया, दस्त करने लगा, तो उसको रोकने के लिए आप लोग कुछ इलाज करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, कुछ दवाई दे देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं। मेडिसिन तो कुछ का जैसे नाम बता सकते हैं आज का, जैसे लोग किसान जाने कि भाई उन लोग को भी? हाँ, जैसे टैबलेट में आता है, जब ऐसे होता है तो टैबलेट में एक टैबलेट आता है सल्फर डीमाइंड और नेबलोन पाउडर, उसको मिला के दे देंगे तो एक एक बार में मतलब कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, नेबलोन जो पाउडर होता है और जो गोली बोल रहे हैं गोली। ये देखिए दोस्तों, इनका जो है बकरी का सेट था, और इनका जो है जो देसी बकरी का फार्म बोल सकते हैं, एक हिसाब से देसी बकरी का फार्म है। ये बताइए कि आप पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किए हैं? मैं 7वीं तक पढ़ा। 7वीं तक? और आप? मैं तो 12th पास। 12th पास है, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है अच्छे से। हाँ। मिलजुल के कर ले रहे हैं। हाँ। तो ऐसे ही आप लोगों का साथ बना रहे और आप लोग आगे बढ़ते रहे। और हम लोगों का तालमेल भी अभी तक बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है और आगे भी चलेगा। ये जो बिजनेस है इसमें कोई पार्टनर नहीं होने से? हाँ, पार्टनर होने से नहीं होता। ये बताइए कि इस बिजनेस में, और एक बार जैसे बिजनेस बोल देते, इस बिजनेस में कॉम्पिटिशन कितना है? कंपटीशन तो अभी फिलहाल नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। मेरे को लगता है कि गांव में लाखों बकरी जो, फिर भी कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है, मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहे हैं, कि ये रात को यदि बोलेंगे कि मेरे को कल सवेरे बकरी बेचना है, तो सवेरे 2-4 लोग खड़े हो जाएंगे। हाँ, कि मेरे को खरीदना है, फोन करने का देरी है। तो ये बताइए कि आप लोग, ये बताइए, दोनों जैसे अनुभवी हैं, तो बकरी लोगों को पालना चाहिए, इससे फायदा होता है, नुकसान होता है, कि क्या होता है, इसको थोड़ा जानकारी दीजिएगा। नुकसान के बारे में तो मैं मतलब नहीं बोल पाऊंगा,
इसलिए क्योंकि मेरे से वो नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ आज तक, मतलब फायदा ही हुआ है। आपको फायदा ही हुआ है और आपका? मेरा भी फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। नुकसान फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। यानी कि कोई यदि बकरी पालन शुरू करे और सोचे कि हम रोजी रोटी अपना घर का निकाल लेंगे, अच्छा मेहनत करे तो आराम से कर सकता है। ये था दोस्तों आज का वीडियो, काफ़ी आप लोगों को जानकारी मिला है, मुझे भी कुछ अनुभव मिला है। ये आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।